फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपी कंप्यूटर। हम आपके लिए आज लेके आए हैं, ये देख सकते हैं, LPP 2900B मॉडल की प्रिंटर की प्रॉब्लम। ये देख सकते हैं, ये हमारे पास है, किसी कस्टमर का आया है। ये अगर वो लेटर हेड पे प्रिंट निकालते हैं तो ऐसे बीच में कट कट के प्रिंट आ रहे हैं, तो नॉर्मल पेज पे निकालते हैं तो ठीक प्रिंट आ रहा है। तो हमने कार्ट्रिज भी चेंज कर लिया है, कार्ट्रिज कंपेटेबल है, इवन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए हमें प्रिंटर खोलना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये एक नट है इसका, ये दूसरा नट है। तो इसमें प्रॉब्लम भी आपको बता देता हूँ कहाँ पे आ रही है। और ये इसके दो बैक साइड्स पे नट होते हैं, तो पहले ये नट हमने खोल लेने हैं। ये देख लीजिए, और इसमें मेन प्रॉब्लम जो है वो क्या है कि ये जो इसका प्रेशर रोलर है, आप देख सकते हो ये ऑरेंज कलर का, इसके नीचे टेफ्लॉन लगी होती है, जिसके नीचे हीटर होता है, ये देख सकते हो आप, ये टेफ्लॉन है। तो कुछ केसेस में क्या होता है, टेफ्लॉन ख़राब होती है, तो वो टेफ्लॉन से थोड़ी नॉइस आती है, कर 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 करके तो पेजेस में कुछ लग के आता है। तो इस केस में वो प्रॉब्लम नहीं है, इस केस में टेफ्लॉन भी ठीक है। तो इस केस में क्या ज़रूरत है, जो इसके नीचे टेफ्लॉन के नीचे हीटर होता है, तो उसके लिए हमें ये लगाना पड़ेगा। ये है टेफ्लॉन फ्यूज़र लुब्रिकेंट्स, ठीक है जी, ये OEM प्योर एंड हाई ग्रेड का है। तो ये हमें ये देख सकते हो आप, ये ग्लू टाइप है ना, तो जो इसका हीटर है उसके नीचे हमें ये पेस्टिंग करनी पड़ेगी, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि जो पुराना इसमें लुब्रिकेंट लगा होता है वो सूख जाता है, तो उस वजह से क्या होता है कि हीटर प्रॉपर वर्क नहीं करता, जो वर्ड्स हैं तो वर्ड्स उखड़ने लग जाते हैं। तो उखड़ने के लिए ये है कि अगर हम उसको प्रॉपर ग्रीसिंग कर देंगे तो हीटर अपनी जगह पे प्रॉपर वर्किंग करनी शुरू कर देगा, तो जिससे ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ इसको ओपन कैसे करना है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़, रिपेयरिंग रिलेटेड कोई भी इशू हो आपको, तो हमें भी मज़ा आता है कि हमारे सब्सक्राइबर हैं जो वीडियो देखते हैं, वॉच करते हैं, तो हमें भी बनाने में फिर बेनिफिट लगता है। तो ये देखिए, ये इसका अंदर यहाँ पे भी, इसको हम रोलर को क्लीन करेंगे, जो पेपर पिकअप रोलर है। तो आप देखिए, मैं आपको पहले प्रिंटर खोलने का बताता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हमने प्रिंटर के नीचे कोई कपड़ा रख लेना है, तो ताकि ये दिक्कत ना हो। और ये देखिए, आप ध्यान से देखोगे तो ये यहाँ पर इसके नीचे एरो बना हुआ है ना, आप देख सकते हो। और ये देखिए, ये इस साइड भी लॉक लगा हुआ है, ये साइड वाले कवर का लॉक है, जो ये कवर है इसका लॉक है, इसको भी हमें उठाना पड़ेगा। और इस तरफ भी आप देख रहे हो, ये भी साइड कवर का लॉक है, तो दोनों के नीचे ऐसे ही एरो बना होगा, आपने नैरो के नीचे स्क्रू ड्राइवर फंसा के, और ये जो प्रिंटर का ये आगे भी लॉक होता है तो प्रॉपर खुलता है। तो मैं आपको खोल के ट्रे की शक्ल दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे हमने नीचे भी स्क्रू फंसाया, वहाँ से निकाल दिया, और ये आप देखिए, ये लॉक यहाँ से निकल गया और यहाँ से निकलेगा, तो ये आराम से ये यहाँ पे लॉक लगा। अब ये देखिए, यहाँ पे भी लॉक था, हमने लॉक खोला, और ये देखिए, ये यहाँ का लॉक भी खुल गया, ये देखिए यहाँ पर बना होता है, और ये आगे फंसा होता है, अब ये बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। वो देखिए, वो आगे लॉक्स फंसे हुए हैं, वो देखिए, बड़े प्यार से खुल जाएगा। ये देखिए, ये एक दो तीन लॉक फंसे थे, और ये देखिए यहाँ पे एक दो तीन, ठीक है जी। और ये यहाँ पे इसका, आप जब भी प्रिंटर अगर खुद भी खोलना है, कहीं से रिपेयर भी कराना है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो जो वायर यहाँ से ओपन करते हो आप, वैसे तो उसी में ही फिक्स होगी, बट आप कलर कोडिंग इसमें मैच कर लीजिए, ताकि कहीं गलत जगह पे ना लगा दीजिए। और ये यहाँ पे इसकी जो हीटर की है वो पावर केबल, ये यहाँ पे है जो पावर का कनेक्टर है, ठीक है जी। बाकी सब मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका बेसिकली पावर सेक्शन बोर्ड है। तो और अब ये देखिए, ये प्रिंटर का ये
ये आवाज आ रही है ना टक, तो ये बेसिकली क्या है, जब हम प्रिंटर बंद करते हैं तो ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे टच होता है, तो ये सेंस करता है कि हाँ जी आपके प्रिंटर का डोर बंद है। अगर ये आपका खराब हो जाता है तो प्रिंटर में प्रॉब्लम आती है कि आपका पेपर जो है कार्ट्रेज और ढक्कन बंद नहीं हुआ। अगर ये टूट गया इनकेस कभी किसी से, तो ये एरर देता ही रहेगा। तो उस केस में क्या है, यहाँ पे कुछ लगा के जो इसको टच कर दे तो ये आपका काम बन जाएगा। तो वीडियो में मैं आपको साथ साथ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो प्रॉब्लम कस्टमर की आई है उससे रिलेट नहीं रखती, बट आपको ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। इसका ध्यान रखिए, आपने ज़्यादा जोर नहीं लगाना, कहीं कवर ना टूट जाए। ये देखिए इस साइड पे भी, और ये यहाँ वाला लॉक भी। तो आप इसमें ध्यान से देखिए क्या है, यहाँ पे ये फिक्स होता है, ये देखिए ये जो वहाँ पे लॉक लगा है, और ये फ्रंट वाले तीन लॉक हैं, और ये जो नीचे फंसा होता है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमने ये देखिए ये वाइट कलर का है, ये यहाँ से खुल जाता है, ठीक है जी। ये देखिए ये लॉक होता है जो लीवर को ऊपर उठाता है, इसको भी हमने निकाल लेना है, और ये दोनों तरफ, ठीक है जी, इस तरफ भी है, ये भी निकाल लें। और ये देखिए ये धीरे धीरे करके पीछे वाला कवर निकाल लेना है, ये कवर निकल गया। ठीक है जी, धीरे से उसको ऊपर उठाना। ठीक है जी, ये कवर भी खुल गया, और ये कवर के ये देखिए ये दोनों लॉक्स होते हैं, ये और ये दोनों यहाँ पे जाके नीचे फंसते हैं, और यहाँ पे हमारा जो लेजर सेंसर होता है, जब हम प्रिंट देते हैं जो प्रिंट की कमांड है, तो यहाँ से लेजर लाइट निकलती है। आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है, कभी भी अपने प्रिंटर में कार्ट्रिज डालोगे, अगर वो लीक कर रही है, उसमें से इंक निकल रही है, जैसे ये देखिए गिरी हुई है, तो उसको आपने ठीक करवा के ही लगाना है। अदरवाइज़ क्या है कि आपकी लेज़र लाइट के ऊपर अगर इंक गिर गई तो आपकी प्रिंटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, तो उस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। तो अभी हमने इसको पूरा खोलने के लिए, ये देखिए एक यहाँ पे स्क्रू है इसका, एक यहाँ पे स्क्रू है, और एक यहाँ पे स्क्रू है, देखिए ये तीनों स्क्रू खोलने पड़ेंगे, और ये यहाँ पे इसकी वायर लगी हुई है, ये भी उतारनी पड़ेगी, और ये जो सारे कनेक्टर खोल के फिर ये हमारा बाहर आएगा। और ध्यान रखना है जो स्क्रू खोलना है, और ये भी यहाँ पे सेंसर है, आप देख रहे हो ये सेंसर है, तो सेंसर को डैमेज ना हो, ये भी सेंसर है, ये भी डैमेज नहीं होना चाहिए, इसके नीचे ये सेंसर है, ये इन्होंने कवर करके रखा हुआ है, तो सेंसर कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए। आपने इसको बिल्कुल प्यार से खोलना है, ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है, अगर आप कहीं ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे आपको सर्विस सेंटर नहीं अवेल हो सकता, जहाँ रात का टाइम है, जब कोई दिक्कत आ रही है, तो उस केस में है, अदरवाइज़ आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से या रिपेयर वाले से करवा सकते हो, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो ये आप देखते रहिए वीडियो, अंत तक बने रहिए। ये आप देख सकते हो हमने तीनों के स्क्रू ओपन कर दिए हैं, अब हमने यहाँ पे ये कनेक्टर खोलना है, ठीक है जी, ये कनेक्टर बड़े आराम से खुल जाएंगे। एक एक करके सारे खुल जाएंगे, और जैसे जैसे आप खोल रहे हो ध्यान रखना है, वैसे ही आपने इसको दोबारा लगा देना है।
क्योंकि ये हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, हमें काम करते करते साथ में ये वीडियो बनानी होती है, तो हमें ये होता है कि अगर हमारी वीडियो से किसी का बेनिफिट हो जाता है तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमें बस आपसे इतना प्यार चाहिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ये देखिए, ये सारा कुछ खोल दिया हमने। जैसे जैसे खोलोगे आपने, अगर आपको नहीं पता लगता, आप हमारी वीडियो को पॉज करके या डाउनलोड करके बार बार देख लीजिए। कई बार क्या होता है कि हम वीडियो बना रहे हैं, आपको एक बार वीडियो में नहीं समझ आया, तो आप वीडियो को डाउनलोड करके उसमें ध्यान से देख लीजिए। अब ये देखिए, ये आराम से निकल आएगा। ये देखिए, जो बाकी वायर्स हैं वो एज इट इज़ रह जाएंगी, और जो इसके साथ हैं वो ये एक सेंसर, दो सेंसर और ये हीटर की वायर, ठीक है जी, ये सारी की सारी साथ आएंगी। ये प्रिंटर हो गया खाली, तो अगर आपने इसको साफ़ करना है तो साफ़ भी कर लीजिए। अब ये देखिए, एक स्क्रू यहाँ से ओपन करना है और एक स्क्रू यहाँ से ओपन करना है, ठीक है जी। ये आगे वाला इसका कवर निकल जाएगा। उसके बाद हमने ये कोई प्लायर लेके, ठीक है जी, ये वाला स्प्रिंग ओपन करना है और दूसरी साइड से यहाँ से भी स्प्रिंग ओपन करना पड़ेगा हमें। ठीक है जी, तो ये लॉक्स बाहर आ जाएंगे। ये आप देख सकते हो, ये दो लॉक हैं, ये दोनों यहाँ पे फंसे होते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, दोनों साइड पे हैं। तो आप देख सकते हो इसकी इंटरनल कंडीशन तो बहुत अच्छी है, कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये फटी नहीं हुई। हम इसको साफ़ करेंगे और टेफ्लॉन को निकालेंगे, इसके अंदर पेस्टिंग करेंगे। ये देखिए, हमने दोनों स्प्रिंग निकाल दिए हैं प्लकर से, ये साइड वाला स्प्रिंग भी निकल गया और ये दोनों लॉक हम निकाल लेंगे। ये देखिए, ये एज इट इज संभाल लेने हैं आपने, और ये इसका जो आपके कवर के ऊपर जाके फंसेगा, तो जिस साइड का आप निकालोगे उसी साइड में ही आपने फिक्स करना है। ये देखिए, ये भी निकल गया और ये भी निकल गया। और बस ये बचा आपका हीटर वाला ऑप्शन, तो हीटर आपने निकाल लेना है। ये देखिए, ये हमने निकाल लिया, ये हीटर वाला पोर्शन, ये भी दोनों। अगर आप चाहते हो कि ये चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अलग अलग रेंज की आती है, 100, 150, 200, 250, 300, जो भी है लगा सकते हो। तो अभी दिखाता हूँ हीटर नीचे वाला पोर्शन। ये देखिए, ये बिल्कुल सूख चुकी है, आप ये ध्यान से देखिए, जो इसकी लुब्रिकेंट है बिल्कुल सूख चुकी है। तो ये साइड वाला कवर भी बड़ा आराम से निकल आएगा। ये देखिए, यहाँ पे कवर फंसा होता है, एक इस तरफ और एक इस तरफ लॉक। ये आप देख सकते हो अभी क्या कंडीशन है इसकी, ये सारा, ये देखिए, देखिए बिल्कुल सूखा पड़ा है। तो ये प्रॉपर क्या है कि हीट नहीं कर पाता, कई बार चल जाता है ऊपर से हीट, कई बार नहीं हो पाता। तो अभी इसको हम पुरानी को सारी को उतार के और नई लुब्रिकेंट लगाएंगे, और जो इसका टेफ्लॉन है वो सेम ही लगा देंगे। और एक काम और आपने करना है, इसमें कोई भी पेपर फोल्ड करके बना के इसको अंदर से भी साफ़ कर लेना है, ताकि इसके अंदर कोई डस्ट लगी हो तो वो भी साफ़ हो जाए। अब ये देखिए, ये हमने साफ़ कर लिया प्रॉपरली,
ठीक है जी, ये चमक रहा है। तो अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर लुब्रिकेंट लगाना है। इसको लुब्रिकेंट को पूरे के पूरे के ऊपर फैलाना है, दोनों साइड पे। आपको फैला के मैं दिखाता हूँ। ये देखिए जी, जैसे हमने अभी फैला दिया सारा, तो इसका पूरा का पूरा उंगली के साथ फैला देना। और थोड़ा सा लुब्रिकेंट हमने ये जो है रोलर, इसके नीचे भी लगा देना है दोनों साइड पे। ये प्लास्टिक की सिक्स कोटिंग है जहाँ पे ये घूमता है, तो ये भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। अभी अब देखिए, इसमें मैंने दोनों तरफ से बहुत प्रॉपर अच्छी तरह ग्रीसिंग कर दी है। तो अभी हम टेफ्लॉन वापस ऊपर लगा देंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये जो अपना प्रेशर रोलर है, इसको भी क्लीन करने के, ये भी थोड़ा थोड़ा कहीं गंदा नज़र आ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा ब्लैकिश है जब खोला है। तो ये जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, ये यूट्यूब पे आप वीडियो देखोगे तो वो फटाफट ही दिखाएंगे, उसमें कोई प्रॉपर नहीं दिखाएंगे कि आप क्या चीज़ कर रहे हो चेंज, क्या प्रॉब्लम है, क्यों कर रहे हो। तो ये जैसे देखिए, अभी इसमें थोड़ा थोड़ा ये भी काला नज़र आ रहा है। तो कुछ केसेस में क्या होता है कि रोलर भी ठीक होता है, वो कहते हैं सर आपका प्रेशर रोलर भी चेंज होगा, टेफ्लॉन भी चेंज होगा, तो उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। जब ये पूरा प्रिंटर खोल गया तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे भी लुब्रिकेंट लगा देंगे। ये देखिए, ये भी बिल्कुल गंदा हुआ पड़ा है, और इस तरफ भी बिल्कुल सूखा हुआ है। तो दोनों तरफ लुब्रिकेंट लगा के साफ़ करके इसको हम रीपैक करेंगे।